हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो है कंडेंसर क्लीनिंग। अगर आपको पता है कंडेंसर क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको मैं समझाता हूँ। दो पार्ट होते हैं गाड़ी के आगे, जो ग्रिल होती है, जो मेश देखते हो आप, एक ये जो आगे है और एक पीछे, इसको बोलते हैं रेडिएटर और इसको बोलते हैं कंडेंसर। दोनों का काम सेम है, हीट को डिसिपेट करना, ठीक है। कंडेंसर के अंदर कूलेंट होता है, सॉरी कंडेंसर के अंदर एसी की गैस होती है और रेडिएटर के अंदर कूलेंट होता है। रेडिएटर ठंडा करता है आपके इंजन को, जो इंजन के अंदर जो भी हीट होती है उसको ठंडा करता है, और जो कंडेंसर है वो एसी की गैस को ठंडा करता है। तो सबसे पहले आगे कंडेंसर होता है, फिर पीछे रेडिएटर होता है। तो अब पूछोगे इसको साफ करने का नीड क्या है, एक तो पहले आप इसकी हालत देख लो कि क्या हो रहा है, पूरा ब्राउन हो रहा है, गंदा हो रहा है। और अच्छे से डेप्थ में दिखाऊंगा मैं जब एक बार इसको खोल दूंगा, और इसको लगे लगे ही खोले अपन क्लीन करेंगे कि कोई गैस निकालने की कोई नीड नहीं है। और क्लीन करने के बाद एसी की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, कूलिंग में आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क दिखा है, क्योंकि पूरा चौक हो गया है, गंदा हो गया, जो अभी यहाँ बाहर से ही दिख रहा है। तो अपन इसका इस प्रोसेस को आज स्टार्ट करेंगे, और इसको करने के लिए पहले मैं खोलूँगा बम्पर को, क्योंकि आधे ज़्यादा तो ब्लॉक हो चुका है, इसके वजह से देखो मैं क्लीन कर नहीं पाऊँगा यहाँ अच्छे से। तो पहले बम्पर को खोलेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको क्लीन करना है और किस किस चीज़ों से क्लीन करना है। उससे पहले बात करते हैं चीज़ों की जो अपने को चाहिए होंगी क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक टूल किट है, बेसिक टूल किट है, मतलब आपको 10 नंबर बेसिकली खोलने के लिए चाहिए, डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी भी। तो मतलब एक टूल किट होनी तो ज़रूरी है ही, किसी भी तरीके का आपको नट्स वगैरह खोलने हैं वो मैं आपको बताऊँगा कौन से खोलने हैं। मेरे पास है पानी, एक बॉटल, इसमें मैंने एक छेद कर रखा है, मैं बताऊँगा इसका क्या यूज़ है स्प्रे करने के लिए। और पानी है मेरे पास, और यह है कंडेंसर क्लीनिंग लिक्विड। ये लिक्विड आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा, मैं इसके बारे में और आपको डेप्थ में बता दूँगा क्या कैसा काम करता है, ठीक है। फिर मेरे पास टूथपिक है और एक ब्रश है, टूथपिक क्यों ली है, कोई कील वील से क्यों नहीं कर रहा वो भी बता दूंगा, और ये खोलने के लिए और प्लायर्स हैं और दो साइज़ के स्क्रू ड्राइवर्स हैं। तो बम्पर खोलने के लिए बेसिकली सारी गाड़ियों का लगभग सेम सिस्टम होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे खोलेगा। यहाँ पे एक स्क्रू, ये ना इस स्क्रू को खोलना है, इस स्क्रू को खोलना है, फिर ये पूरा जो पार्ट है ये एक लॉक है, ये ऐसे पूरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद गाड़ियों में अलग अलग होता है, पर मेरी गाड़ी में एक स्क्रू यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ ऊपर लॉक है, 1, 2, 3 और 4। सेम इस तरफ भी एक स्क्रू यहाँ पे और 2 स्क्रू यहाँ पे, और उससे ये पार्ट भी सारा खुल जाएगा। तो ऊपर ऊपर जितना भी बम्पर होता है वो इसी से लगा रहता है, और उसके बाद जो बचे हुए लॉक्स हैं वो नीचे हैं। नीचे अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए, एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक बीच में होगा, और सेम उस तरफ होंगे। मेरी गाड़ी में ये लाइट भी लगी हुई है तो मेरे को लाइट भी उतारनी पड़ेगी। तो एक बार मैं पहले खोलता हूँ बम्पर, उसके बाद मिलता हूँ। और फिर देखो खोल दिया बम्पर फट से, कुछ भी नहीं है, मैंने जो स्क्रूज़ बताया देखो मैंने सारे स्क्रूज़ खोल दिए, सारे लॉक्स खोल दिए हर जगह से। और अब आप एक बार रेडिएटर की कंडीशन देखो, आप रेडिएटर सॉरी कंडेंसर जो दोनों हैं उनकी, बेसिकली कंडेंसर ही आगे का पार्ट है पहला, ठीक है। रेडिएटर इसके पीछे है, अगर आपको दिख रहा है ना ये, तो ये इतना गंदा होता नहीं और इतना चौक होता नहीं, क्योंकि पहले हवा यहाँ से जाती है, जो फ़ैन है ये जो पीछे ये लगा हुआ जो फ़ैन है ये वाला, ये जो हवा खींचता है वो तो पहले यहाँ से गुजरेगी फिर इसमें से गुजरेगी, तो ये गंदा इतना कभी होता नहीं जितना ये होता है। तो मेनली जो अपना क्लीनिंग का फोकस है वो इसी पर रहेगा। और अब आप देखो जो हवा की वजह से जो इसमें कचरा फंसा हुआ है किस तरीके से ये चौक हो रखा है, आप देख लो कितने सारे इंसेक्ट्स मरे हुए और पूरी मड इसमें एक्युमुलेट हुई हुई है। तो अब इसको पूरा अपन साफ करेंगे उस लिक्विड से, लिक्विड में मैं आपको बताऊँगा कैसे फॉर्मूला इसका बनाना है, और इस पर पूरा स्प्रे करेंगे, फिर उसके बाद इसको पूरा प्रॉपर तरीके से अपन क्लीन करेंगे। अब पहले लिक्विड को मारने से पहले और पूरा करने से पहले आप एक कुछ सॉफ्ट चीज़ ले लो, जैसे ये अगर मान लो ज़्यादा कुछ कचरा है तो ये इससे टूथपिक से निकाल लो, नहीं तो ब्रश से निकाल लो। अभी कोई अपन यहाँ पे ना कोई मेटल का ब्रश या वो किसी भी तरीके का नहीं ले, क्योंकि जो फिन्स है ना ये देखो ये बहुत डेलिकेट होते हैं फिन्स, तो ये हल्का सा अगर जोर लगाओगे तो ये ईजिली मुड़ जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो आप सिंपल को टूथब्रश लेके आप जितना भी है इसको एक बार आप झाड़ लो अच्छे से, जैसे मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ, मतलब जितना हो सके आप कर लो, नहीं तो बाकी तो उससे क्लीन हो ही जाएगा, मतलब जब आप अपन प्रेशर मारेंगे पानी का तो बाकी उससे क्लीन हो जाएगा। जितना मोटा मोटा आपका ये मोटी मोटी जितनी भी गंदगी उतर रही है इसको उतार लो, और उसके बाद फिर अपन आगे क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। तो मैं पहले इसको क्लीन करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अब आप देखो कुछ इस तरीके से मैंने ये टूथपिक को यूज़ कर करके मैंने काफ़ी इसमें जो पत्थर और वो थे मैंने निकाल दिए,
टूथपिक से कर लो और बाकी सॉफ्ट ब्रश से जितने भी ये कचरा इसमें आपको से दिख रहा है जो मोटा मोटा बाहर से लगा हुआ है आप इसको ऐसे क्लीन कर लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे कुछ जगह ऐसे जैसे फिन्स ही मुड़ गए हैं या टूट गए हैं। ये बेसिकली जो पत्थर लगते हैं ना गाड़ी चलते हुए, क्योंकि इसकी ग्रिल बहुत बड़ी है आगे की, तो देखो जहाँ जहाँ ग्रिल है वहाँ वहाँ पर ज़्यादा डैमेज है। ऊपर की साइड इसकी ग्रिल खुली रहती है तो रहता है, और जबकि अब यहाँ नीचे की साइड देखो तो ये बम्पर के पीछे कवर्ड है, तो देखो ये एकदम साफ है। मतलब ग्रिल बेसिकली जो इसकी जो फिन्स हैं ये मुड़ी नहीं हुई, तो इतनी कोई दिक्कत इसमें है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही चलेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये देखो ऐसा पोर्शन लग रहा है कि जैसे ये और ये गंदा है या इसमें कुछ फंसा हुआ है नहीं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फिन्स हैं ये थोड़ी थोड़ी मुड़ गई हैं। देखो ये नीचे कितनी सिमेट्रिकल है, पर ये वाली थोड़ी 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 मुड़ गई हैं इस वजह से, तो ये कोई दिक्कत की बात इतनी है नहीं। अब अपन इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे। उससे पहले अगर मेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन का अगर आप मतलब जानना चाहते हो कि कैसे करता है, तो ऐसे है कि जो फ़ैन इसमें से कंटिन्यूसली हवा खींच रहा है, इसके अंदर ना ऐसे पाइप्स हैं ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से चलेगी फिर यहाँ से नीचे आएगी फिर ऐसे चलेगी फिर ऐसे आएगी फिर ऐसे, मतलब ऐसे करके पूरा जिगजैग होके नीचे से जाती है। सिर्फ ऐसे रेडिएटर भी सेम ऐसे ही कर रहा है और कंडेंसर भी सेम ऐसे कर रहा है। अभी एसी की गैस गर्म गैस यहाँ पे आ रही है और ये पूरा चैनल है। अब इस पूरे चैनल के अंदर ऐसे ऐसे पाइप्स जो हैं उसमें से ही गैस ऐसे घूम रही है और दूसरे साइड से वापस आ रही है। ये पीछे से आ रही है पाइप, यहाँ पर आप देखो ये कंडेंसर की। अब ये जो है ये ठंडी होकर आएगी गैस यहाँ पर, तो ये पूरा इसकी वर्किंग का प्रोसेस है आपके कंडेंसर का और रेडिएटर का। अब करेंगे अपन केमिकल बनाते हैं और मैं बताता हूँ कि आके इसको कैसे क्लीन करना है। तो लिक्विड को बनाने के लिए स्पेसिफिकली एक मैंने ले लिया ये बॉटल, ठीक है, और मेरे पास है ये मैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाई कॉइल क्लीनर। अब देखो इसकी आपको कहीं भी किसी भी जो एसी क्लीनिंग शॉप होती है ना उस सबको मिल जाएगा इससे, जिस पर देखो ये बना भी हुआ है कंडेंसर। कंडेंसर रेडिएटर और जो घर के एसीज होते हैं ना उनको भी क्लीन करने के लिए इसी को यूज़ करते हैं। अब मैं बताऊंगा ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी वो होती है, मतलब इसको थोड़ा सा अवॉइड करना कि हाथों पे ना लगे आपके, क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक होता है ये। तो इसको बनाने के लिए स्पेसिफिकली जो आप अपनी गाड़ी का कंडेंसर क्लीन करना है, तो अगर ये बॉटल तीन पार्ट्स में है, ठीक है, ये एक लीटर की बॉटल ले रखी है मैंने नॉर्मल बिसलेरी की, तो ये अगर ये बॉटल ये तीन पार्ट्स में है तो एक पार्ट अपने को इस लिक्विड से भरना है और बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो अपने को पानी से भरना है। इसको डायरेक्ट मत यूज़ कर लेना नहीं तो आपका कंडेंसर को ही जला ही देगा लिटरली। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको आप भरना। तो लगभग मैं इसको वन थर्ड भरूंगा बॉटल को, थोड़ा सा और भर लेते हैं। ये देखो लगभग इतना काफ़ी है, वैसे ये वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हल्का सा और डाल लेते हैं, ये देखो अब इसको वापस मैं कर देता हूँ तुरंत। तो ये देखो ये अलग अलग किसी भी कलर का आ सकता है, ब्लू ऑरेंज रेड अलग अलग तरीके के आते हैं, मतलब वो मैटर नहीं करता। इसका जो फंक्शन है जो काम है वो सबका सेम ही है। अब इसमें भी एसिडिक भी आते हैं, बेसिक वाले भी आते हैं, तो मतलब कई तरीके के हैं, आपको मार्केट में जो भी मिल जाए आप उसको यूज़ कर लेना। पर अगर एसिडिक है जैसे स्पेसिफिकली एसिडिक है तो थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके ही करना। और देखो इसमें है भी ये डिसइंफेक्टेंट भी है, तो वैसे तो ये डिसइंफेक्टेंट तो घर के एसीज के लिए ज़्यादा काम आता है क्योंकि उनमें फंग ज़्यादा जमती है, बट ये बाहर वाले इसमें कोई इतनी दिक्कत आती नहीं जो अपना कंडेंसर है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मैंने एक वन थर्ड भर लिया इससे, और जो बाकी का है मैं इसको टॉपअप कर दूँगा पानी से। ये मैं नॉर्मल टैप वाटर ले रखा है, कुछ भी स्पेसिफिक और नहीं है। ये एक चीज़ बहुत ध्यान से आप करना कि ये आपके हाथों पे ज़्यादा ना लगे, और आईज़ वाइज में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये बन गया ये लिक्विड। अब मैं इसको थोड़ा सा शेक कर देता हूँ और ये तैयार हो गया लिक्विड। अब मैंने क्या कर रखा है इसको स्प्रे करने के लिए, मैंने इस बॉटल के ऊपर एक छेद कर रखा, अगर आपको दिख रहा हो तो फिर फोकस कर ले, हाँ ये रहा। तो अब इस लिक्विड को मैं बताता हूँ उसको स्प्रे कैसे करना है। अभी जो लिक्विड बनाया इसको पूरी अपने को ग्रिल पे स्प्रे कर देना है। अब इसमें स्पेसिफिकली ध्यान ये देना कि ये ना थोड़ा सा लिक्विड को अवॉइड करना, जैसे तारों वगैरह पे, मतलब थोड़ा बहुत चलता है कोई इशू नहीं है, बट आपको ज़्यादा अवॉइड करना है किसी लाइट्स पे ना लग जाए या बम्पर। मैंने इसे हटाया क्योंकि ये पेंट वेंट ख़राब कर देगा ये अगर ये ज़्यादा उन पर लगा तो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली ये मैंने लिया इस बॉटल को उल्टा करके, मतलब आपको एक तरीके से जो भी ग्रिल है इसको गीला कर दो।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी देखो इसने तो मैंने लगाया ये और देखो इसमें फोम बनना स्टार्ट हो गया। तो जहाँ देखो कैसे काला रंग का फोम बन रहा है इसमें, ये देखो यहाँ कितना गंदा हो रहा है। ये तो ये इसने लगाने के साथ साथ देखो इसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो बस यही है कि इसको अच्छे से आप स्प्रे कर दो, बाकी काम ये खुद कर देगा। अब आप देखो इसने अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और इसने देखो कितना कचरा निकालने, देखो कैसे टपक रहा है। और अगर आप इससे आपको प्रूफ नहीं मिले तो ये देखो, देखो कैसे कचरा गंदगी जो जितनी भी मिट्टी है वो कैसे निकाल रहा है, देखो आप ध्यान से। अब जैसे मैंने आपको बताया दोनों साइड तो काम कर ही देगा, और साथ साथ अगर आप पूछो रेडिएटर, देखो रेडिएटर की इतनी ज़रूरत है नहीं वैसे क्लीन करने की, बट नहीं तो मोस्ट काज में इसमें तो मैं जैसे यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्प्रे कर सकता हूँ यहीं से कि वो नीचे बह के चला जाए और अपने आप क्लीन कर दे। बट मोस्ट काज में ये काफ़ी सील्ड होता है, इतनी जगह नहीं होती। तो जो मैंने यहाँ मारा है ना इसमें, तो ये थोड़ा प्रेशर से मारा है जैसे कि ये पीछे भी चला जाएगा, जो छेद था जो बॉटल में छोटा था थोड़ा, तो पीछे की साइड चला गया, तो ये पीछे रेडिएटर को भी क्लीन कर देगा काफ़ी हद तक। ये तो बाकी पानी रेडिएटर के लिए काफ़ी सफिशेंट रहता है क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि यहीं पर ही ट्रैप होके रह जाती है। अब देखो धीरे धीरे इसका फोम कम हो रहा है और ये काफ़ी काला या डिस्गस्टिंग उसमें आ गया है, तो उसको टाइम थोड़ा और देते हैं और फिर इसको साफ़ करते हैं। अब जैसे कि आप देखो 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको किए और इसने सारा जो फोम है वो जा चुका है और बस ये ब्लैक ब्लैक सारा रह गया है। उसने जितना भी काम करना था ये कर चुका है। जब आप अब सिंपल सी जो गार्डन होज होती है या पाइप होती है पानी की, वो लो और बिना ज़्यादा प्रेशर, मतलब नॉर्मल सा प्रेशर, जैसे ये मेरे पास पाइप है ये नॉर्मल लेके अपन को इस पर अच्छा सा अच्छे से इसको साफ कर दो। और आप देखो नीचे कैसे गंदगी निकलती है, देखो दिखाता हूँ मैं पानी का रंग, देख रहे हो कितना गंदा हो गया, कितना ज़्यादा गंदा निकला है। साथ साथ रेडिएटर पे भी मार दो पीछे जो है, तो नॉर्मल का प्रेशर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं था। वो कैसा गंदगी निकली जा रही है अभी। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से ज़रा पानी से क्लीन कर देता हूँ पहले, और अभी जितनी भी मिट्टी निकल गई है इसको निकलवा देना आप भी अच्छे से, एक बार ही क्लीन हो जाए फिर मैं आपको वापस कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो देखो क्लीनिंग हो गई, पानी मार दिया मैंने अच्छे से, थोड़ा सूख भी गई है। तो उसके बाद अब आप डिफरेंस देखो कि किस लेवल की जो है ये क्लीन हो गई है। अब जो आपको ये जो डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था ये पत्थरों वगैरह से मुड़ी हुई है, बट अब क्लीन देखो कितनी हो गई है पहले से, मतलब एकदम आपको साफ एकदम। अभी वॉशिंग में आपने देखा किस तरीके से यहाँ मिट्टी गिर रही थी, कितना ज़्यादा काला झाग बना और कितनी ज़्यादा क्लीनिंग हो चुकी है इस ग्रिल की। तो अब देखो एक एक फिन मतलब एकदम क्लीन है, मतलब कुछ भी इसमें नहीं है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा इतनी माइंड करने की नहीं है, बट आप देखो ग्रिल पूरी जो है वो पहले से कितनी ज़्यादा क्लीन हो गई है। अब आप खुद जज कर सकते हो कि इसको करने का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। और मैंने भी एसी चला के देखा, मानो ना मानो लगभग 5 से 6 डिग्री का फ़र्क पड़ चुका है, जो हवा आ रही है वो इतनी कम हो चुकी है, ठंड मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी आ रही है। तो ये प्रोसेस करना तो वर्थ है, पर आप इसको ज़्यादा तो नहीं, साल में एक बार भी कर लो तो भी वैसे बहुत ज़्यादा है, मतलब अब साल दो साल में डिपेंड करता है आप कितनी गाड़ी कहाँ चलाते हो, ज़्यादा मडी एरिया में चलाते हो कि जहाँ मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, या मतलब थोड़ा रूरल एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। पर ये करने का फ़ायदा आपको खुद आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताया था रेडिएटर भी देखो अपने आप ही इसका जो पीछे इसमें से पड़ रहा था जो फ्लो पड़ रहा था, मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी देखो रेडिएटर देखो पीछे से कितना क्लीन हो चुका है, ये जो मैं यहीं प्रेशर मार रहा था उसी से सारा साफ़ हो चुका है। तो ये बहुत है, बेनिफिट है इसको करने का। अब जो मैंने आपको लिक्विड दिखाया था ये वाला, ये बेसिकली आता है 1 लीटर का, 1 लीटर आता है और ये सस्ता ही आता है, 200 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन शायद 400-500 रुपये का आता है, महंगा आता है, बट आपको ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो इसको लेने के बाद अब देखो 1 लीटर है तो आप इससे कम से कम आप 4 बार तो कर ही सकते हो अपनी गाड़ी क्लीन। अगर आप अगर देखो भी अगर आप या एक टाइम पर अगर आप 250 ml भी यूज़ करते हो, मतलब 1 लीटर है तो 250 ml यूज़ करते हो, मैंने आपको बताया कि 1/3 यूज़ करना है, तो 4 बार आप 1-1 लीटर का सोल्यूशन बना के अपनी अच्छी तरीके से ग्रिल क्लीन कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है
और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ये करने में। ये कंपनी वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ पानी मार के दे देंगे आपको इस ग्रिल पे, और वो पानी से आपको पता साफ़ नहीं होता, पानी से पहले भी साफ़ हुई भी थी, उसके बाद भी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा गंद और मिट्टी निकली है इसमें से। तो यही था एक क्विक वीडियो, अब बस कुछ नहीं करना, वापस ये सारे स्क्रूज लगा दूंगा, ये बम्पर पड़ा वो उसको वापस फिट कर दूंगा, और ये सारा काम हो गया कम्प्लीट, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद वीडियो डाला मैं, वो मेरे को पता है, पर थोड़ा रेगुलर अब बनाने की कोशिश करूँगा, पर ये वीडियो अब थोड़ी इन डेप्थ बनाई है, चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, अच्छे तरीके से समझाई हैं, तो हो सकता है आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो और अपनी गाड़ियों को भी इसको करो और अपनी गाड़ी बढ़िया ठंडी करो पहले से ज़्यादा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जिन लोगों को भी एसी की प्रॉब्लम आ रही है, या अपने दोस्तों में जो गाड़ियों में काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, या आप कम खुद अगर नहीं कर सकते तो आप बाहर से भी करा सकते हो, पर उसको बोल दो भाई ऐसे कर लेना जैसे मैंने इसमें दिखाया। तो थैंक्स अ टन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलना, बाय बाय।